नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स जानना चाहते होंगे कि 2023 में एक सिविल इंजीनियर को कितनी सैलरी मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छी कंपनी की सैलरी स्लिप है। तो इस सैलरी स्लिप के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि 2023 में सिविल इंजीनियर को ऑन एवरेज लगभग कितनी सैलरी मिल जाती है। तो चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो आप देख सकते हैं कि ये शोभा सिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सैलरी स्लिप है, और इसमें प्राइवेसी को लेकर जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी उसको मैंने इरेज कर दिया है। तो नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये जूनियर इंजीनियर सिविल की सैलरी स्लिप है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर शोभा सिटी में इनको कितनी इनकम हो रही थी, और इसके साथ साथ कितना डिडक्ट किया जा रहा था, और इन हैंड सैलरी इनको कितनी मिल रही थी। तो सबसे पहले यदि हम बेसिक सैलरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनको 38,000 रुपये यानी कि 38,000 रुपये इनको बेसिक सैलरी मिल रही थी। बेसिक सैलरी के बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इनको डीए के रूप में 2280 रुपये मिल रहे थे, यानी कि 2280 रुपये इनको डीए यानी कि ड्रेनेज अलाउंसेस के रूप में मिल रहे थे। डीए के बाद यदि हम टीए की बात करें यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस की बात करें तो इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस के रूप में 0 रुपए यानी कि 1 भी रुपए नहीं मिल रहा था, क्योंकि इनको साइट पर ही रूम दे दिया गया था, तो आने जाने में इनका 1 रुपए भी खर्च नहीं हो रहा था। तो ऐसे में इनको टीए के रूप में 1 भी रुपए नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट यदि हम एचआरए की बात करें यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस की बात करें तो कंपनी ने इनको कंस्ट्रक्शन साइट पर ही फ्री में रूम दे रखा था, तो ऐसे में हाउस रेंट के रूप में इनका 1 भी रुपए नहीं लग रहा था। तो इसीलिए कंपनी इनको हाउस रेंट के रूप में 0 रुपए यानी कि 1 भी रुपए नहीं दे रही थी। नेक्स्ट यदि हम ग्रॉस सैलरी की बात करें तो बेसिक सैलरी और इसके साथ डीए मिलाकर इनका 40,280 रुपए हुआ, यानी कि 40,280 रुपए इनको ग्रॉस सैलरी मिल रही थी। तो इनकम के बाद नेक्स्ट यदि हम डिडक्शन की बात करें यानी कि सैलरी के रूप में कुछ पैसे कट किए जाते हैं, तो चलिए देखते हैं कि किस रूप में पैसे सैलरी से कट किए जाते हैं, जो कि आपको बाद में कंपनी से निकलते समय या फिर यदि आप कंपनी में रिटायर हो रहे हैं तो उस समय ये पैसे आपको दिए जाते हैं। तो सबसे पहले यदि हम डिडक्शन की बात करें तो पीएफ, तो भैया पीएफ एक ऐसा फंड है जो कि आपको रिटायरमेंट के समय दिया जाता है, बट यदि आप कंपनी छोड़कर जा रहे हैं यानी कि कंपनी से रिज़ाइन दे रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको कंपनी से रिज़ाइन देने के बाद ये पैसा आपको मिल जाता है। बट गवर्नमेंट सेक्टर में पीएफ आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है। पीएफ के बाद ईएसआई के रूप में पैसा कटता है। ईएसआई का मतलब इम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस के रूप में भी कुछ पैसे कट किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंश्योरेंस के रूप में 780 रुपये कट किए जा रहे थे। तो यदि हम पीएफ और ईएसआई डिडक्शन को मिला दें तो आप देख सकते हैं कि 4,560 रुपए सैलरी से यहाँ पर डिडक्ट किया जा रहा है यानी कि कम किया जा रहा है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि इनको ग्रॉस सैलरी 40,280 रुपए मिल रही है। तो 40,280 रुपए में यदि 4,560 रुपए कट कर दिए जाएँ तो आप देख सकते हैं कि 35,720 रुपए इनको इन हैंड सैलरी मिल रही थी। तो इस सैलरी स्लिप को दिखाने का मतलब आपको केवल और केवल इंफॉर्मेशन देना था। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया में जितने भी जूनियर इंजीनियर हैं सभी को 35,720 रुपए ही मिल रहे हैं। कुछ ऐसे भी इंजीनियर हैं जिनको 6,000 से 7,000 मिल रहे हैं, कुछ को 20,000 रुपए, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको 3 से 4 लाख रुपए भी मिल रहे होंगे। आप किस कंपनी में वर्क कर रहे हैं, कंपनी के स्टेटस और इसके साथ साथ आपकी सीनियरिटी के हिसाब से आपकी सैलरी कम ज़्यादा हो सकती है। तो अभी के लिए बस इतना ही। यदि आप इस सैलरी स्लिप का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।